नमस्ते। आज का वेद मंत्र ओम शूराय वेद्युयुधयो न जगमयः स्रवस्यवो न प्रीतनासुवेतिरे भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो राजा नैव ते शसंदृशो नरः। ऋग्वेद प्रथम मंडल 85वां सूक्त 8वां मंत्र। मंत्रार्थ: प्राण साधक पुरुष निश्चय से शूरवीर पुरुषों की भांति, शूर युद्ध करते हुओं की भांति युयुधी, गतिशील यश की कामना वाले वीरों की भांति स्रवस्य बनकर अध्यात्म संग्राम में लोभ क्रोध मोहादि शत्रुओं को चूर चूर करने के लिए यत्नशील होते हैं। जिस प्रकार रणभूमि में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर सच्चे शूरमाओं से सब लोग भयभीत हो उठते हैं, उसी प्रकार प्राण साधक से लोग क्रोध मोहादि शत्रु भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे प्राण साधक विजय पथ पर आगे बढ़ने वाले विजयी वीर राजाओं की भांति दीप्त दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे वीर योद्धा शत्रुओं को परास्त कर जब राजा बन जाते हैं तो विविध वस्त्रों और आभूषणों से भूषित होकर चमक उठते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से प्राण साधक के अंदर प्रकाश अर्थात विवेक ज्ञान का आवरण यानी कि अज्ञान क्षीण अर्थात दुर्बल हो जाता है। जब साधक के विवेक ज्ञान को ढकने वाले अविद्या से उत्पन्न कर्म और उसके संस्कार दुर्बल होकर उसकी बुद्धि एकाग्र अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म रूप वाली यानी कि कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करने वाली हो जाती है, तब उसके अंदर के लोभ क्रोध मोहादि शत्रुओं के विनाश से साधक की शक्ति का रक्षण होता है और वह तेजस्विता से सुभूषित होता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसः। अतः हे मनुष्य, तू प्राणायाम परायण बन, तू नियमित रूप से प्राणों की साधना कर। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय ऋषिपत। पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए जन जन तक पहुँचाए, मिलकर वेदों को, मिलकर वेदों को। आओ चले ऋषिपत पर सब यह परम धर्म निभाए, लेकर वेदों को, लेकर वेदों को, लेकर वेदों को, पढ़कर वेदों को, सुनकर वेदों को, जीकर वेदों को।